जय हिंद। मैं अपने संघर्ष के बारे में बता रहा हूं कि कांस्टेबल से कितना संघर्ष करने के बाद में मैं एचसीएम बना हूं और कितनी मुश्किलों से मैं बना हूं, ये मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे आप लोग का भी हौसला जारी हो, बुलंद हो, जिससे आप लोग भी मेहनत करके मिनिस्ट्रियल में आए और आप लोग भी अच्छे से मेहनत करें। तो हम आपको शुरू से बताने वाले हैं अपनी जो है कांस्टेबल जीडी स्टार्टिंग भर्ती से लेकर के जब मैं मिनिस्ट्रियल बना तब तक, और मिनिस्ट्रियल में भी मैं आपको अपने जुबान से, अपने शब्दों से बताऊंगा, न कि मैं आपको वीडियो दिखा के, क्योंकि मेरे पास उस समय का फोटो वीडियो नहीं है, ज्यादा थोड़े बहुत है, मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में। तो दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जब मैं फॉर्म अप्लाई किया था तो मेरा अच्छा 12 का रिजल्ट आने वाला था, 10+2 का रिजल्ट आने वाला था, तब मैं फॉर्म अप्लाई कर दिया था सन 2009 में। वो भी उसमें गलतियां हो गई थी, मैं और मेरे दोस्त थे, वो दोस्त बोला कोई बात नहीं चला जाएगा, तो डबल फॉर्म भर दिए थे क्योंकि एक गलती हो गई थी, एक और एक रिजेक्ट हो गया था शायद, दूसरा आ गया। तो हम लोग जो है टेस्ट की तैयारी करने लगे, तो टेस्ट में पॉलिटेक्निक, आईटीआई, AITEE और IERT ये सब देखने लगे, BSC का इसका सब फॉर्म अप्लाई करने लगे, सबका परीक्षा भी दिए, अप्रोक्सीमेट सभी का भी आ गया। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस में भी मेरा सब कुछ हो गया था, CRPF कांस्टेबल GD का ज्वाइनिंग आ गया। तो मैं सब कुछ छोड़ करके मैं सीधा यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लिया फरवरी 2010 में ज्वाइन कर लिया। 2010 में ज्वाइन करने के बाद मैं मार्च में सीधा मुझे केरला भेज दिया गया ट्रेनिंग के लिए, जो त्रिवेंद्रम जिले में पड़ता है, पल्लीपुरम, तो वहां पे मुझे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, ट्रेनिंग मैं वहां पे किया 2010 20 मार्च से, मुझे यहाँ पे मई लग गए थे, मई 2011 तक मैं ट्रेनिंग किया, क्योंकि बहुत दिनों तक ट्रेनिंग चली थी, क्योंकि बहुत समय रुकना भी पड़ता था कभी कभी। तो वहां पे ट्रेनिंग में दोस्तों, बस ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ, पिछली वीडियो में, इस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको भी देख लेना जैसा मैं बता दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पे ड्यूटी किया केरला में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में भी रहा। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी मैं रहा, छत्तीसगढ़ से मैं सीधा जो है राजस्थान में आया, राजस्थान के बाद जब कश्मीर में गया, कश्मीर से भी मैं हरियाणा में हूँ। मुझे सन 2013 तक का कंप्यूटर के बारे में घंटा पता था, कुछ नहीं मालूम था, ठीक है, लेकिन मैं देखा कि मुझे कुछ मेहनत करनी चाहिए, तो धीरे धीरे मैं कोशिश करने लगा लोगों को देख के, लेकिन फिर मुझे एक मौका मिल गया कि मैं थोड़ा सा कंप्यूटराइज्ड काम करूं, तो वहां पे मुझे मौका मिल गया, तो वहां पे मैं अपना जी जान लगा दिया सीखने के लिए कि कैसे टाइपिंग आ जाती है। तो मेहनत करने लगा, तो मेरी 10 की 5 की 10 की 5 की 15 की स्पीड जाती थी, मैं बोला कोई बात नहीं, लगा रहता था 2 घंटा 3 घंटा खूब जम के लगा रहता था। ऐसा करते 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 13 की वैकेंसी आ गई है कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, उसमें मैं डाल दिया फॉर्म। उसके बाद उसका जून में जो है टाइपिंग हुआ था, तो मेरी टाइपिंग भी निकल गई, वो जो सॉफ्टवेयर बेस में हुआ था, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई यार कि मैं, मेरी टाइपिंग जो है निकल गई, मैं बड़ी खुश हुआ, मेरी आंख से आंसू आ गए कि मैं पहली बार जो है कोशिश करने की चेष्टा की और मैं सीख भी लिया और एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया। तो फिलहाल क्या हुआ कि जो मैं ओपन से दिया था, मैं डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दिया था, क्योंकि तब मेरा जो है उतना सर्विस नहीं हुआ था, तो मैं ओपन से दिया था, तो क्या हुआ कि फाइनल मेरिट में मेरा नंबर कम हो गया और मेरा जो है फेल की लिस्ट में 340वां नंबर आ गया। अगर आप 2014 वाला रिजल्ट देखेंगे तो आपको मेरा 340 नंबर पे मेरा फेल में लिस्ट में नाम आपको दिखेगा, आप देख सकते हैं, चाहे CRPF वेबसाइट रिजल्ट वाले में आपको मिल जाएगा, और 340वें स्थान पे मेरा नाम है सोनू कुमार, ठीक है, आप वहां पे देख सकते हैं। तो उसके बाद में मैं क्या किया, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा, मैं अपने दिल को तोड़ा नहीं, बिल्कुल अपने दिल को तसल्ली दिया कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, फेल पास तो लगा रहता है जीवन में, फेल पास तो ये दुनिया है ससुरी, फेल पास ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, ऊंच नीच तो हर जगह, जमीन भी जब ऊंच नीच हो सकती है, आदमी ऊंच नीच हो सकता है, तो ये साला एग्जाम है, एग्जाम में भी तो फेल पास आदमी होता है, ठीक है। तो उसमें मैं फेल हुआ, उसके बाद में फिर वैकेंसी आई 15-16 का, डिपार्टमेंटल भी उसमें शामिल था, ठीक है, उसमें डिपार्टमेंट का भी एग्जाम शामिल था। तो मैं ओपन से न देकर के डिपार्टमेंटल एग्जाम में मैं अप्लाई कर दिया, उसके साथ साथ मैं CISF में भी अप्लाई किया था हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। तो वहां पे CISF का मैं PhD करके आया था और CRPF का भी PhD कर लिया। CISF का टाइपिंग 15 जून को था, झांसी में था, और CRPF का टाइपिंग जो है 16 जून को था, वो हैदराबाद में था। तो मुझे क्या लगा कि भाई देखो, मैं CISF में जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, ये मेरा डिपार्टमेंटल एग्जाम है, यदि मैं CRPF में जाता हूं तो मेरा हो सकता है कुछ कल्याण, कुछ भला हो जाए। तो मैं CRPF में आया, वहां पे मेरी टाइपिंग भी निकल गया आराम से मजे में। उसके बाद मेडिकल भी फाइनली हो गया। मेडिकल फाइनली होने के बाद में बस रिजल्ट रिजल्ट का इंतजार करते रहे आप लोग, जैसे कि रिजल्ट है रिजल्ट है। तो 20 मई को 11 बजे रात जो ऐसे व्हाट्सएप पे आ गए, तो साला जहां हम लोग थे वहां पे नेट भी नहीं था, तो साला हमारे में भी व्हाट्सएप में ऐसे ऐसे घूम रहा था, ऐसे ऐसे घूम रहा था, PDF थी, 133 लोग पास हुए थे, ससुरा डाउनलोड ही ना हुआ, लेकिन कुछ लड़के फोन करके बता दिए कि सोनू तो तेरा सिलेक्शन हो गया, 83 नंबर पे तेरा नाम है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई यार उस दिन, तो मैं इतना फूले नहीं समाया, फूल के मतलब गदगद हो गया। तो उसके बाद दोस्तों मैं क्या किया, फिर वहां पे मैं टेक्निकल रिजिग्नेशन दिया, छत्तीसगढ़ में टेक्निकल रिजिग्नेशन दिया, वहां से टेक्निकल रिजिग्नेशन देने के बाद में मैं यहाँ पे राजस्थान में ज्वाइन कर लिया। राजस्थान में ज्वाइन करने के बाद में मैं मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग किया मिनिस्ट्रियल की, मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग करने के बाद मैं घर आया, घर छुट्टी आया 10-15-20 दिन की, छुट्टी आने के बाद मैं सीधा श्रीनगर में ज्वाइन कर लिया। श्रीनगर में ज्वाइन करने के बाद में वहां पे पूरा टेन्योर पूर्ण करने के बाद में अभी मैं
आ गया हूँ हरियाणा में। हरियाणा में आने के बाद में अभी बस ये आपके सामने चल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप देख ले। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे शब्द कैसे लगे, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना, इच्छा करेगी तो लाइक कमेंट करके अपनी राय जरूर बता देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।